तरफ बीजेपी है और वहीं दूसरी तरफ टीएमसी है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कहा जा रहा है सहानुभूति बटोरने के लिए ममता बनर्जी की ओर से ये नाटक रचा गया। और भारतीय जनता पार्टी अकेली ऐसी पार्टी नहीं है, कांग्रेस पार्टी के भी सुर कम से कम ममता बनर्जी के ऊपर हमले में बीजेपी जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ये किस तरह की राजनीति हो रही है उसको बताते हुए अब ये रिपोर्ट देखिए। ममता बनर्जी अस्पताल की चारपाई पर कराह रही है। ये कराह ये समझाने के लिए काफी है कि बंगाल में चुनावी समर किस कदर हिंसा के लिहाज में लिपटा हुआ है। ममता अपनी चोट को साजिश बता रही है और बीजेपी ममता की चोट को ड्रामा। ममता बनर्जी ने फिर एक सिंपैथी लेने के लिए नाटक किया और कुछ नहीं। चुनावी बंगाल में बवाल होना एक आम सी बात हो गई है, लेकिन ये आम बात कतई नहीं कि दिग्गज नेताओं पर हमले हो या हमले की साजिशें हो। 8 तारीख बीजेपी के बंगाल के अध्यक्ष ने एक पोस्ट किया था, ममता बनर्जी को घायल होते दिखाया हुआ। ये मार्च 9 तारीख सवेरे इलेक्शन कमीशन ने वेस्ट बंगाल के डीजीपी बदला, क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। मार्च 10 तारीख एक बीजेपी सांसद 5 बजे पोस्ट किया था, आप समझ जाएंगे शाम के 5 बजे के बाद क्या होने वाला है। बोलो। और कल बोलो 6 बजे नंदीग्राम में ममता जी के साथ। अरे हमको ये लगता है कि चुनाव आयोग को चाहिए कि उनके द्वारा उम्मीदवार के पीछे चल रहे वीडियो में ऐसा क्या आया है उसको सार्वजनिक करना चाहिए, जनता को पता लग जाएगा कि उसमें कौन है। और एक आश्चर्य की बात है कि ममता जी के साथ इतना पुलिस का लवाजमा चलता है और 4 लोग आए और घटना करके चले गए। टीएमसी का सीधा आरोप बीजेपी पर है, साजिश का भी हमले का भी, लेकिन बीजेपी कहती है कि ये फॉर्मूला पुराना हो चला है। बीजेपी की अपनी रणनीति है, लेकिन तेजस्वी यादव ने ममता बनर्जी के साथ हुई घटना के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने इसे सहानुभूति बटोरने की कोशिश बताया है। गंभीर मसला है और एक मुख्यमंत्री पर अगर ऐसा हमला हुआ है तो ये भाजपा पे अगर आरोप लगे हैं तो भाजपा पे का तो ये रहा है इतिहास की चुनाव जीतने के लिए वो कोई भी हटकंडे जो हैं वो अपना सकते हैं, लगातार वो लोग करते रहे। कई बार चोट का शिकार हुई है, लेकिन वायरल करने की क्यों जरूरत होते हैं? वायरल करने की इसलिए जरूरत होता है कि बंगाल के लोग को भावुक लोग होते हैं ज्यादा, उनको ये लगेगा कि आ हमारे घर के एक लड़की को, हमारा घर की एक बहन को इससे की चोट लगे और वो भी एक साजिश की शिकार बने, चलो उनको वोट दिया जाए। बस यही इनका असली मुद्दा है। पश्चिम बंगाल चुनावी वार पलटवार से कहीं आगे सीधे प्रहार की राजनीति कर रहा है। यहाँ हर दल को जीत चाहिए, जीत किसी भी कीमत पर। कोलकाता से पौलमी साहा और चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो।